6.8 विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ। जैसा कि हमने देखा कि किसी विद्युत परिपथ में असावधानी से लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण आग लगने का खतरा रहता है। जरा सी लापरवाही के कारण विद्युत झटके भी लग सकते हैं, इसीलिए विद्युत प्रयोग के दौरान इन सावधानियों को रखना चाहिए। स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए। उचित विद्युत रोधी परत के तार प्रयोग में लेने चाहिए। खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देने चाहिए। आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। सभी विद्युत उपकरणों के लिए भू तार अवश्य लगाना चाहिए। बिजली के स्विचों व उपकरणों का उपयोग गीले हाथों से न करें। कुछ अन्य आंकिक प्रश्नों के हल। प्रश्न एक, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए से संबंधित जो चित्र है, जो परिपथ है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिया गया है विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और समय T बराबर 10 मिनट। मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा 60 × 10 सेकंड, यानी कि 600 सेकंड। और अब हम जैसे कि जानते हैं कि विद्युत आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। मान रख दें तो I का मान हमारे पास है 0.5 एम्पियर और T है हमारे पास 600 सेकेंड, यानी कि Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 300 कूलम। तो Q बराबर विद्युत आवेश बराबर हमें कितना मिला? 300 कूलम। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। प्रश्न दो, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? चलिए पहले देख लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है तार की लंबाई 1 मीटर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध R बराबर 26 ओम, तार का व्यास D बराबर 0.3 मिलीमीटर। चूंकि यह मान मिलीमीटर में दिया है तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए इसे हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। 0.3/1000 मीटर हुआ ये। इसे और हल कर ले तो हम इसे लिख सकते हैं 0.3 × 10³ और या फिर इसे लिखा जा सकता है 3 × 10⁴ मीटर। यदि व्यास का मान 3 × 10⁴ मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3 × 10⁴/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁴ मीटर। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए तार की वैद्युत प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करनी है, तो दिए गए तार की वैद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर होगा प्रतिरोध गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे तार की लंबाई। तो हम सभी का मान इसमें रखते हैं
उसके पहले हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी यहाँ पर मान रख दें, पाई आर का वर्ग बटे एल। चलिए प्रतिरोध कितना है, 26 ओम। उसके बाद पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 1.5 गुणित 10^4, क्योंकि आर का वर्ग है इसलिए हम इसे दो बार लेंगे, 1.5 गुणित 10^4 पूरे के बटे एल का मान है 1, क्योंकि 1 मीटर लंबा तार है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, 26 × 22/7 गुणित 1.5 गुणित 10^4 गुणित 1.5 गुणित 10^4। इस समीकरण को यदि हम हल करें, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1.84 गुणित 10^6 ओम मीटर। तो इस प्रकार दिए गए तार की वैद्युत प्रतिरोधकता मिल गई 1.84 गुणित 10^6 ओम मीटर और यह प्रश्न हल हुआ।